फ्रेंड, मैं हूँ सालू। सालू जाय का किचन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कुकिंग का शौक है और नई नई रेसिपियाँ ट्राई करना पसंद है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई नई रेसिपियों का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मसाला बैगन बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़े से लहसुन की कली, इसको भी लंबे में काटा है। एक हरी मिर्च बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको भी ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती है और ये मैंने बैगन को काट के रखा है। देखिए, बड़े बड़े टुकड़ों में बैगन को काट के पानी में रखा है ताकि बैगन काले न पड़े। तो बैगन जब भी आप काटें तो उसको पानी में ज़रूर रखें, जब तक आपको बनाना ना हो आप पानी से नहीं निकालें, नहीं तो बैगन काले पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने एक आलू है, वो भी मीडियम साइज़ के ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट रखा है। तो चलिए अब गैस स्टार्ट करेंगे। हम क्विक बैगन बनाने वाले हैं इसलिए मैंने कुकर रखा है, यहाँ पे प्रेशर कुकर रखा है, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं एक बड़े चम्मच करीब तेल डालूंगी, एक बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, हाफ टी स्पून मैं इसमें राई ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। दोनों को साथ में तड़कने देंगे, पहले थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको तड़कने देंगे थोड़ा सा, पहले ये तड़क गया है। अब हम इसमें हरी मिर्ची और लहसुन डाल देंगे, हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट रखा था। इसको थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें अपने प्याज डाल देंगे, सारे प्याज डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए, हमारा प्याज भी थोड़ा भून गया है। अब हम इसमें हमारे टमाटर ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और थोड़ा सा इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टी स्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्ची का पाउडर है। लाल मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टी स्पून धनिया पाउडर है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर के लिए इसको भी भूनने देंगे। इसमें मैं 2 चम्मच करीब पानी ऐड कर रही हूँ, इसको मिक्स कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए और धीमे फ्लेम पे ही भूनने देंगे। अब मैं यहाँ पे 1 टीस्पून करीब नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको भी मिक्स करके और भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए और हम मसाले को पकने देंगे। देखिए, हमारा मसाला भून गया है, मसाले से तेल ऊपर आ गया है। अब हमारे कटे हुए आलू और बैगन ये सारे इसमें ऐड कर देंगे, सब इसमें डाल दीजिए और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें ये 2 चम्मच करीब और पानी ऐड करूंगी और इसके बाद इसको मिक्स कर लूंगी। देखिए, ज़्यादा पानी ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बैगन से और पानी रिलीज होगा। बस अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और धीमे गैस पे ही 1 विसल आने तक इसको हम पकने देंगे। और इसको ठंडा होने देंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए, इसका विसल्स निकल गया है गैस बिल्कुल। हम इसका ढक्कन हटाते हैं। देखिए, बनके तैयार है ये हमारी क्विक आलू और मसाले वाले बैगन की सब्जी। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। अब हम इसमें ऊपर से कटे हुए धनिया की पत्ती डालेंगे और एक प्लेट लेंगे, उसमें सर्व करेंगे। देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आपको जब भी अब जल्दबाजी हो और कोई सब्जी समझ में नहीं आए तो झटपट से ये सब्जी आप बना सकते हैं। आप इसको लंच, डिनर या टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। इसको बनाने में 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए कितना अच्छा और डिलीशियस बनके तैयार हो गया है ये मसाले वाले आलू बैगन की सब्जी। थैंक यू।